नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। शबनम फांसी से अब चंद कदम ही दूर रह गई है। आजाद भारत में ऐसा पहली बार है जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। ये केस बनखेड़ी हत्याकांड के नाम से मशहूर है। इस जघन्य घटना के बाद से शबनम जेल में ही बंद है। इस वक्त रामपुर के जिला कारागार में है। शबनम की दया याचिका खारिज कर दी गई है और कभी भी फांसी का फरमान जारी हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि शबनम ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष दया याचिका डालकर माफी की अपील भी मांगी थी, जिसे राज्यपाल और राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब डेथ वारंट जारी होते ही कभी भी शबनम को फांसी हो सकती है। जनपद अमरोहा के गांव में बनखेड़ी निवासी शबनम का सलीम नामक युवक से प्रेम प्रसंग था। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग शादी में रोड़ा बन रहे थे। इससे निजात पाने के लिए शबनम ने 14 अप्रैल 2008 को अपने परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। शबनम को फांसी देने के लिए मेरठ का पवन जल्लाद भी तैयार है। पवन जल्लाद का कहना है कि अगर वे फांसी घर को देखने के लिए मथुरा गए थे, उसमें थोड़ी सी खराबी थी, उसे ठीक करने के लिए बोलकर आया है। पवन ने कहा कि अगर शबनम को फांसी होती है तो उनके होश संभालने से लेकर अब तक ये पहली बार होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। अगर उसका डेथ वारंट आता है तो वो मैं फांसी का ट्रायल करूंगा, रस्से चेक करूंगा, तख्ता चेक करूंगा और सारा इंतजाम पुख्ता करूंगा। रामपुर जेल के जेलर राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि ये महिला जिला जेल मुरादाबाद से जुलाई 2019 में ट्रांसफर होकर हमारी जेल में आई थी। ये बानखेड़ी हत्याकांड के मृत्यु दंड से दंडित है। ये महिला वार्ड बैरक नंबर 14 में है। इसका व्यवहार सामान्य है और कॉरपोरेटिव है। वे दबंगियों और जेल के प्रशासन के लोगों के साथ हंसती बोलती है। उनके साथ व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं है। उसके प्रेमी के बारे में जेलर ने बताया कि वह संवाद मुरादाबाद जेल में ही बंद है। उसका एक बच्चा भी था, जिसके बारे में जेलर का कहना है कि वह यहाँ के दाखिल नहीं हुआ है और ना ही हमें मालूम है कि वे कहाँ है। दरअसल आपको बता दें कि शबनम ने अपनी प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। घटना का खुलासा होने के बाद ही शबनम और सलीम जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस केस की सुनवाई करते ही अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सुनवाई की थी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद शबनम ने चाचा और चाची समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है। शबनम के चाचा और चाची उन दोनों के बीच चौराहा पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों का भी कहना है कि उन दोनों को फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।